सो वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम आवर क्लब. तो हमारा वर्चुअल क्लब चल रहा है जिसमें लोगों ने अभी एक्सरसाइज की. टुडे वी डिड सेवेंथ एक्सरसाइज और कम से कम आधा घंटा सबको पसीने आए हुए हैं. वी आर स्वेटिंग एंड नाउ वी आर हैविंग हेल्थ एजुकेशन सिस्टम राइट सेशन. सो आई एम एक्साइटेड बींग ऑन लाइव ऑन इंस्टा. और मैं आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और दैट टॉपिक इज फैट्स और मसल्स क्या होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड मसल्स. और क्योंकि ज्यादातर लोग वेट लॉस की बात करते हैं. ओके, वेट लॉस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड बिकॉज फैट लॉस होना चाहिए बॉडी के अंदर. राइट, तो पहले तो हम ये जानकारी ले लें आज कि एक्चुअली फैट और मसल्स होता क्या है. राइट, सो व्हाई वी हैव एक्सेस फैट, हमारा फैट एक्सेस ज्यादा क्यों होता है, उसके कुछ कारण है. ओके, और फैट्स खाना अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ फैट्स अच्छे होते हैं, ज्यादातर फैट अच्छे नहीं होते हैं. ओके, कुछ फैट अच्छे होते हैं, अच्छा खाने चाहिए हमें. ओमेगा थ्री इज द बेस्ट फैट जो हमारी बॉडी को हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है. ओमेगा थ्री आपकी बोन्स को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके हार्ट को, एवरीवेयर ओमेगा थ्री वर्क वेरी नाइसली और आपकी बॉडी को फिटनेस पे लेके जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैट क्यों बढ़ता है. जब आप हाई कैलोरी फ्रूट फूड खाते हो तो फैट बढ़ता है. हाई कैलोरीज, कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज होती है एनर्जी. यू नो पर यूनिट एनर्जी का एक काउंट है जो अपने फ्रूट्स में सब्जियों में एक एनर्जी का काउंट है. ओके, सो उसको उसको कैलोरीज बोलते हैं. तो किस हर चीज में कैलोरीज होती है. अब सेब में भी 80 कैलोरी है, एक चपाती में भी नॉर्मली 70-80 कैलोरीज है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप रसगुल्ला गुलाब जामुन खाओगे तो उसमें तो 250-300 कैलोरी हो सकती है. ओके, जैसे मैंने बोला था एक पिज्जा खाते हो तो फुल साइज तो 600 कैलोरी है, बर्गर 400 कैलोरीज है. तो आप जितना ज्यादा कैलोरीज लोगे अंदर जितनी जरूरत नहीं है तो क्या होएगा, फैट आ जाएगा, है ना. इसके बारे में हम अलग टॉपिक करेंगे लेकिन आज मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि फैट्स और मसल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है. राइट, सेकेंड थिंग इज जंक फूड एंड फास्ट फूड. अब क्वेश्चन यह है कि हमने पेट भरना है, भूख मिटानी है, किस चीज से हम अपनी भूख मिटा रहे हैं. ओके, आप एक भूख मिटा सकते हो एक समोसे से भी, और एक भूख आप मिटा सकते हो, हम लोग न्यूट्रिशन शेक लेते हैं इससे भी, दोनों से भूख मिट रही है. बट समोसे का काम अंदर जाके क्या आपको मालूम है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें सब फ्राइड है और यू नो आलू है, कार्ब्स है, कैलोरीज है, दैट इज नॉट गुड. रेस्टोरेंट फूड, तो आने वाले समय में रेस्टोरेंट अभी खुल जाएंगे तो रिमेंबर ऑलवेज के रेस्टोरेंट फूड में बहुत कैलोरी होता है, हाई कैलोरी. दाल मखनी और बटर चिकन, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया जाता है, बटर नान, यू नो दिस ऑल आर डेंजरस. तो ये जो चीजें हैं ये हमें कैलोरीज देते हैं, और कैलोरीज ताकत है, यूनिट है ऑफ एनर्जी है, कैलोरी मीन्स यूनिट ऑफ एनर्जी. तो ये जो ताकत है हर एक की रिक्वायरमेंट कैलोरी की अलग है. एक बंदा किस चीज पे, दो तीन चीजों पर निर्भर करता है आपको कितनी कैलोरी चाहिए. नंबर वन आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है. ओके, फिजिकल एक्टिविटी कितना है. नंबर टू आप मेल हैं फीमेल हैं, डिपेंड करता है राइट कैलोरी की रिक्वायरमेंट. नंबर थ्री आपको आपकी एज कितनी है, बिकॉज अगर आप यंग हैं टीनेजर हैं तो शायद आप ज्यादा कैलोरी भी खाएंगे तो बर्न हो जाएगी, और अगर आप 40, 50, 60 हैं तो शायद आपको हाई कैलोरी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. एंड नेक्स्ट रीजन है फैट क्यों आता है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस. हमारी बॉडी को जब प्रोटीन ही नहीं मिल रहा अच्छे से, हमारी बॉडी को जब अच्छे से विटामिन नहीं मिल रहे और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, अच्छे कार्ब्स नहीं मिल रहे, तो नेचुरली फैट आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा. और लास्ट पॉइंट बैड ईटिंग हैबिट्स, कुछ भी आया खा लो. ओके, कुछ भी सामने आया खा लो. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज कभी मर्जी खा लो. ओके, सो हम अपने शरीर को जनरली डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं, तो मंदिर और गुरुद्वारे की तरह ट्रीट करना चाहिए अपनी बॉडी को, बिकॉज एक ही शरीर भगवान ने दिया है जिसमें जिंदगी भर हमने रहना है. लेकिन हम लोग ना जीभ से खाते हैं और स्वाद से खाते हैं, हमें दिमाग से खाना चाहिए, बिकॉज दिमाग से खाएंगे तो हमें मालूम है मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब ये तो फैट्स था, फैट्स सीधा साधा कैलोरी से आते हैं, और कैलोरी आपके कार्बोहाइड्रेट्स में भी कैलोरी होती है, आपके प्रोटीन वाले खाने में भी हाई कैलोरी होती है. राइट, नाउ सेकेंड थिंग इज मसल्स की बात करते हैं. मसल जो है, मसल बनने में 80% रोल प्रोटीन का इंटेक है, 20% आपके एक्सरसाइज का रोल है. अगर आप बैठे बैठे प्रोटीन इंटेक ले जाएंगे और सोचे कि मेरी मसल बढ़ेंगी क्योंकि प्रोटीन से मसल बढ़ती है, तो शायद ऐसा नहीं है. राइट, एंड सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज. सो 20% एक्सरसाइज का रोल है. आप प्रोटीन लें, एक्सरसाइज करें, मसल विल बिल्ड अप. और हमेशा एक्सरसाइज के विद इन 30 मिनट्स आपको
प्रोटीन लेना चाहिए। बेस्ट टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप लो, 10 मिनट के अंदर अंदर ले लो तो वो आपको जल्दी, क्योंकि आपकी अंदर विंडोज खुलती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो और वहां वो प्रोटीन जाएगा ना तो मसल्स जल्दी और अच्छी बिल्ड होगी। सो दैट इज द थिंग राइट। नाउ क्वेश्चन इज के मसल्स कैसे, मसल्स जो है वो उसका क्या रोल है वजन में, क्योंकि जनरली हम लोग बात करते हैं मेरा वेट लॉस करना है या मेरा वेट लॉस हो नहीं रहा राइट। सम पीपल आर हैविंग गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज एंड दे कंप्लेन के भाई मेरा वजन नहीं कम हो रहा। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले बोन्स होती है, नीचे बोन्स के ऊपर मसल्स होती है, मसल्स के ऊपर फैट होता है, फिर स्किन होती है। ओके सो अब आपको समझना है कि मसल्स और फैट का कॉम्पोजिशन है, मसल्स और फैट का एक रेशियो है। ओके सो वो रेशियो सही होना चाहिए, वजन की टेंशन मत लीजिए। हमेशा याद रखिए फैट का वजन मसल्स के वजन से आधा होता है। अगर फैट इतना है और मसल इतनी है ओके तो दोनों में जो मसल्स है उसका वेट डबल है। तो इसका मतलब है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपके अंदर मसल्स बढ़ रही हैं और मसल्स का वेट ज्यादा है और आपके अंदर से फैट निकल रही है। शायद आप बर्न कर रहे हो या कम खा रहे हो फैट, तो फैट निकल रहा है और मसल्स अंदर आ रही हैं। तो मतलब एक हैवी चीज अंदर जा रही है और एक लाइट चीज निकल रही है। लेकिन आप हम लोग सोचते हैं वेट क्यों नहीं कम हो रहा, तो कभी भी वेट मशीन की तरफ मत देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट अ वेट लॉस, इंपॉर्टेंट इज कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो ऑफ फैट्स एंड मसल्स। ओके तो मसल आपकी बॉडी में बढ़नी चाहिए, फैट कम रहना चाहिए, तो और इनका रेशियो है। फैट जीरो नहीं हो सकता, फैट भी, फैट के बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम किसी और दिन टॉपिक में करेंगे। बिना फैट के हम जिंदा नहीं रह सकते, अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं है ना वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मसल्स बढ़नी चाहिए, मसल स्ट्रेंथ है, मसल स्टेमिना है, मसल ताकत है, मसल आपको शेप में रखता है बॉडी को। मसल आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी लूज नहीं होगी, फ्लैबीनेस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मसल्स की हैं। लेकिन टुडेज टॉपिक इज व्हाट अबाउट वेट लॉस। सो वेट लॉस इज नॉट लूजिंग, एक्चुअली फिटनेस चाहिए ना, तो कॉम्पोजिशन देखिए, रेशियो ऑफ मसल्स एंड फैट। तो आप अपना बॉडी स्कैन जब कराते हो, जब आपका मसल्स बढ़ रहा है और फैट कम हो रहा है तो आपको किलोग्राम का रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी हैप्पी। अगर आपके मसल्स बढ़े हैं बॉडी के अंदर इट्स अ गुड साइन। ओके अगर आपके मसल्स बढ़े हैं नेचुरली वेट कम होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि फैट काफी सारा बॉडी में से निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे, अनवांटेड चीजें निकलेंगी, तो फैट तो किलोग्राम में तो कम होना ही होना है अल्टीमेटली। लेकिन डोंट फोकस ऑन किलोग्राम फैट लॉस, वेट लॉस, फोकस ऑन मसल गेन, फोकस ऑन फैट लॉस। ओके उसके ऊपर करना है। अब मैं छोटी सी क्विज करता हूं आप लोगों को और आपने इसका आंसर देना है। आपका फैट एक्सरसाइज करने से मसल में कन्वर्ट हो जाता है, सोचिए सोचिए सोचिए, कितने क्लब में कौन कौन हाथ खड़ा करेगा, क्या ये सही आंसर है? आपका फैट एक्सरसाइज करने से मसल में कन्वर्ट हो जाता है, कितने लोग यस बोलते हैं? ओके ओके कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, नो इट इज रॉन्ग आंसर। ओके बिकॉज कभी भी फैट मसल में कन्वर्ट नहीं होता, फैट फैट है, मसल मसल है, दोनों अलग अलग हैं। मसल बढ़ती है बनती है और फैट जो है बर्न होता है, तो और वो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरी फूड से आता है, कार्ब से आता है राइट। सेकेंड क्वेश्चन, जो पतली बॉडी है, स्किनी बॉडी है, जीरो फिगर है, उसके अंदर कोई फैट नहीं होता, क्या ये राइट आंसर है? कितने लोग बोलते हैं सही आंसर है? कितने लोग बोलते हैं सही आंसर है? जो एकदम जीरो फिगर है, पतली सी लड़की है जो जीरो फिगर की बात करती है जनरली गर्ल्स, और उसमें फैट नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। बिकॉज पतली स्किनी बॉडी में भी फैट है। हम लोग कई बार हैरान रह जाते हैं, अंडरवेट है लोग, वजन नॉर्मल से कम है लेकिन अंदर फैट बहुत है। तो कभी भी फैट को वजन से लिंक मत करिए। ओके इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपको बॉडी का कॉम्पोजिशन अच्छा करना है, आपको बॉडी का फैट एंड मसल का रेशियो अच्छा करना है राइट। माय थर्ड क्वेश्चन, अगर आप यू विल लूज मसल इफ यू डोंट एक्सरसाइज, अगर आप थोड़ा टाइम एक्सरसाइज ना करें तो आपकी मसल खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स कम हो जाएंगी? परफेक्ट, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो मसल्स आपने बनाई थी एक्सरसाइज करके, प्रोटीन लेके एक्सरसाइज करके, प्रोटीन लेके, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपने देखा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सिक्स पैक्स लेके आते हैं, अगर वो 6 महीने एक्सरसाइज ना करें ना, वो पैक्स भी चले जाते हैं, वो 6 की बजाय 1 पैक हो जाता है बड़ा वाला वापस। इसका मतलब मसल्स गई। सो अगर आपको मसल्स को बरकरार रखना है, यंग रहना है, स्मार्ट रहना है, हर रोज करना पड़ेगा।
जिंदगी का नाम ही कंसिस्टेंसी है, जिंदगी नाम चलने का ही है। ओके, अगर आप सोचो कि मैं 6 महीने में वजन कम कर लिया, वापस नहीं बढ़े, ये तो एक बड़ा अजीब सा सेंटेंस है। वापस कैसे नहीं बढ़े? जो अंदर डालोगे वो वापस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, सर आप लोग वेट लॉस करते हो, फिटनेस देते हो, दैट्स ग्रेट बिकॉज हमारे पास रिजल्ट जबरदस्त हैं, वापस तो नहीं आ जाएगा? ये एक बड़ा विचित्र सा सवाल है, वापस नहीं आ जाएगा। कम करना हमारा काम है और आपको डाइट प्लान देना हमारा काम है, उसको मेंटेन रखना आपका काम है। अब आपके घर पे हम नहीं आएंगे कि आप जलेबी खा रहे हो, परांठे खाने शुरू कर दिए, आपने मीठी चाय पीनी शुरू कर दी, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। एक सेंटेंस में सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, हर रोज जिंदगी भर आखिरी सांस तक, आखिरी दिन तक आपको शरीर को संभालना पड़ेगा। हर रोज, एवरी सिंगल डे, जिंदगी भर आखिरी सांस तक आपको रोज शरीर को संभालना पड़ेगा। 4 दिन छोड़ दोगे, एंजॉय करोगे, वजन वापस आएगा, कोई रोक नहीं सकता। वो स्टेटमेंट ठीक ही नहीं होगी अगर ऐसा कुछ कोई बोलता है तो, राइट? सो क्योंकि वेट लॉस टेम्परेरी गोल है, लाइफ टाइम फिटनेस की बात करते हैं, जिंदगी भर कैसे फिट रहना है उसकी बात करते हैं। सो अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो फिर तो आप कम करोगे फिर बढ़ा लोगे, कम करोगे फिर बढ़ा लोगे, कम करोगे, फिर तो कोई मजा ही नहीं आएगा। टॉक अबाउट लाइफ टाइम फिटनेस, कम करना हमारा काम है, डाइट प्लान को हम आपको देंगे, उसको मेंटेन करना आपका काम है। क्योंकि अगर आप ठीक से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, प्रोटीन उतना नहीं ले रहे हो, अच्छे कार्ब्स नहीं ले रहे हो, विटामिन्स न्यूट्रिशन सारा आपके खाने में नहीं है, और दूसरा आप उल्टा सीधा खा रहे हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता ना। ये कोई लोहे की मशीन नहीं है कि एक बार वजन कम कर दिया और उसके बाद जिंदगी भर आप वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एवरी सिंगल डे टिल योर लास्ट ब्रेथ। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन मेरा है, मसल जो है वो 15 कैलोरीज को बर्न करती है, मसल्स, दिस इज राइट आंसर, मैं आपको बता देता हूं। और फैट जो है आपका, वो बहुत कम फैट को बर्न करता है। ओके, जो हेल्दी फैट है वो बहुत कम फैट को बर्न करता है। मसल का वेट डबल है आपके फैट से, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो वजन वेट मशीन की तरह मत देखिए, वेट मशीन तो बताएगी कि आप कम करने चले थे बढ़ गया, लेकिन शरीर बोलता है आप हेल्दी हो रहे हो, इंच लॉस हो रहा है। मसल बढ़ना और फैट कम होने का सीधा साधा संबंध आपके इंच लॉस से है, क्योंकि मसल्स कम जगह घेरती है, फैट ज्यादा जगह घेरता है। मसल्स कम जगह घेरती है, फैट ज्यादा जगह घेरता है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। भूखे रहना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। ज्यादातर लोग वेट लॉस के लिए भूखे रहने की कोशिश करते हैं, नेवर एवर। भूखे रहने से आपके शरीर को, बता आपको भगवान ने हमारा खाना क्यों बनाया, रोटी सब्जी दाल जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में खाते हैं, हमें फिट रखने के लिए खाना बनाया। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो फिट रखने रहने वाला जो जो चीजें थी आपके खाने के अंदर वो आपको शरीर को मिली नहीं, तो आप अनहेल्दी हो जाओगे। रात को खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि वजन ज्यादा है, अरे रात को खाना नहीं खा रहे हो वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे शरीर और खराब हो जाएगा। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं पूरे इसमें, जो लोग 2 टाइम खाना खाते हैं ना दिन में, ज्यादातर वो लोग ओवरवेट होते हैं। जो लोग एक बार खाना खाते हैं ज्यादातर वो लोग एक्सट्रीमली ओवरवेट होते हैं। क्यों? शरीर खराब हो रहा है। तो बॉडी को फिट रखना है ना तो वो खाने से ही फिट होगा। हम लोग कम नहीं खाते हैं, मैं कभी कम नहीं खाता हूं, लेकिन मैं चूज करता हूं क्या खाना है। ओके, मैं कम नहीं खाता हूं, कम खा के वजन नहीं कम होता है कभी भी, राइट फूड खा के वजन कम होता है। फिटनेस को है राइट फूड, करेक्ट फूड, व्हाट आई माई बॉडी नीड, उससे हम फिटनेस की ऊपर कर सकते हैं। कभी भी अपनी मसल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। और आपकी मसल्स, मैंने आपको बोला है 80% प्रोटीन और 20% एक्सरसाइज से मसल आपकी 100% बनती हैं, राइट? एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो ही चीजों का ध्यान रखना है आपको अगर मसल्स और फैट का रेशियो मेंटेन रखना है। अपनी बॉडी के वजन के हिसाब से प्रोटीन लीजिए, अपनी बॉडी के हिसाब से। हर इंसान को 0.8 to 1 gram पर किलो नॉर्मली प्रोटीन चाहिए होता है। यानी कि मैं 75 किलो का हूं तो मेरे को एवरेज 70 से 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर मैं बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करता हूं। अगर मैं जिम जाता हूं तो शायद 1.5 ग्राम पर किलो चाहिए, और अगर मैं पावर लगाता हूं तो शायद 2 ग्राम प्रोटीन भी चाहिए। ओके, सो डिपेंड अपॉन आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो। प्रोटीन में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, एक्सरसाइज में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, और हाई फैट चीजें, कैलोरी वाली चीजें मत खाइए। ओमेगा 3 बेस्ट फैट जरूर लीजिए क्योंकि वो आपकी बॉडी की फिटनेस में मदद करता है, राइट? और ये लाइव सेशन मैं हर रोज इंस्टा पे कर रहा हूं, और ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है मेरे वर्चुअल क्लब से, जहां पे हम रोज सुबह
8 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक हम लोग लोगों को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, लोगों को जिंदगी जीने का तरीका, लोगों को मेंटल हेल्थ एजुकेशन, लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग, मैं अपने आप को एक लाइफ कोच भी समझता हूँ, बिकॉज मैंने 17.5 साल में जितनी नॉलेज इकट्ठी की है, मैं चाहता हूँ ये नॉलेज मैं सारे संसार को दूँ, जितना मेरे को फायदा हुआ उस नॉलेज से, और पूरा वर्ल्ड उस नॉलेज का फायदा उठाए. सो 8 to 9:15 एवरी सिंगल डे वी आर इन वर्चुअल क्लब. आप में से जिसको भी इस क्लब में पार्टिसिपेट करना है, लिंक चाहिए, काइंडली डीएम मी, मुझे पर्सनल मैसेज करें और डायरेक्ट मैसेज करें. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन. गुड डे. बाय बाय.